नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू टेक। दोस्तों आज मैं आपको जीआई पाइप में थ्रेड कटिंग करना सिखाऊंगा। जीआई पाइप में थ्रेड कैसे बनाते हैं कंप्लीट जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए। इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का, प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे इस ऑफिशियल चैनल टेक्निकल सोनू टेक पे मिलेगा। इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो पेज पर पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपका जो भी सवाल रहेगा क्वेश्चन को टाइप करना, उसका रिप्लाई करूँगा मैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक पाइप दिख रहा है, ये देखिए ये जो पाइप है दोस्तों ये 7 इंच का है। ये देखिए ये जीआई पाइप है दोस्तों, और यहाँ पे पहले हैंड पंप लगा हुआ था। इसका जो साइज़ है दोस्तों वो 7 इंच है, और क्लाइंट का डिमांड है कि यहाँ से जो है हैंड पंप को वहाँ पे ले जाना है कोने में। ठीक है, देखिए वो कोने वाला जो एरिया दिखाई दे रहा है वहाँ पे ले जाना है। तो अभी दोस्तों इसको हटाने के लिए, यहाँ से वहाँ पर ले जाने के लिए सबसे पहले मुझे इसको कट करना होगा। तो अभी इसको मैं यहाँ पर कट करूँगा, ठीक है, यानी कि तकरीबन इसको मैं 14 इंच से कट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं थ्रेड बना के उसके बाद आगे लेके जाऊंगा। तो अब इसमें थ्रेड मैं कैसे बनाऊंगा जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। तो अभी मुझे सबसे पहले कट करना होगा, तो चलिए पाइप को मैं कट कर लेता हूँ। अब देखिए वो जीआई पाइप को एक्सो ब्लेड से कटिंग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सप्लाई नहीं है तो ये एक्सो फ्रेम से कटिंग हो रहा है। अब देखिए दोस्तों ये 7 इंच का पाइप कट हो चुका है, अब इसमें हम थ्रेड बनाएंगे। थ्रेड बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए ये डाई है, 7 इंच का डाई है ये। अभी इसमें जो है दोस्तों 7 इंच का ये डाई बांधा गया है, इसमें आप आधा इंच का 1 इंच का भी इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों थ्रेड को कटिंग करने के लिए सबसे पहले ये पाइप को साफ करेंगे, और ये थ्रेड कटिंग करते टाइम आपके पास सरसों का तेल होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों ये डाई है, तो इसको जो है कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर दोनों साइड में ये देखिए नट दिया हुआ है। तो अभी डाई को पाइप में डाल के अभी पहले लूज रखेंगे, ये देखिए इस तरह से यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर थ्रेड काटने वाला है, देखिए अब यहाँ पे रोक लिए हम। अब इसको दोनों को बराबर टाइट करना है, इसको भी और इसको भी टाइट करने के बाद उसके बाद घुमाएंगे, तब जो है थ्रेड कटिंग होगा। अब दोस्तों इसको मैं टाइट कर दिया हूँ, डाई को प्रॉपर टाइट कर दिया हूँ, और इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, नहीं तो फिर अगर आप घुमाएंगे इस तरह से ज़्यादा टाइट करने के बाद तो ये जो पाइप है दोस्तों ये पिचक जाएगा। ठीक है, पाइप चिपटा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा नहीं टाइट करना है, इसको मीडियम ही टाइट रखना है। तो अब इसको मैं टाइट कर दिया हूँ, अब इसको मैं घुमाऊँगा। यहाँ पर घुमाने का जगह नहीं था इसलिए इसका हैंडल मैं निकाल दिया हूँ। अब चलिए इसको मैं घुमाता हूँ, और घुमाते समय दोस्तों देखिए यहाँ पे ये मस्टर्ड डायल है, यानी कि सरसों का तेल, तो इसमें थोड़ा सा डाल देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ तक थ्रेड बन चुका है, अब इसको उतार लेंगे, उसके बाद फिर दोबारा इसमें थ्रेड बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस तरह से थ्रेड बना है, अभी इसको साफ करने के लिए दोबारा डाई को रख के फिर इसको थ्रेड बनाएंगे।
तो अब दोस्तों ये थ्रेड पूरी तरह से साफ हो गया है, अब इसको वापस उतार लूंगा मैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह से थ्रेड बन गया है, अब इस थ्रेड को कपड़े से साफ कर लेंगे। ये देखिए अब कुछ इस तरह का दिख रहा है थ्रेड बनाने के बाद, काफी अच्छा थ्रेड बना है ये 7 इंच के पाइप में। अब यहाँ पे देखिए 7 इंच का एल्बो है, थ्रेड सही बना है कि नहीं बना है इसको इस तरह से लगा के देखेंगे। पहले भी चेक किया हूँ मैं, ये देखिए पूरी अच्छी तरह से ये टाइट हो रहा है, ये देखिए काफी इजीली टाइट हो रहा है ये। तो इस तरह से थ्रेड इसमें बन गया है, अब इसको जहाँ भी आपको ले जाना है वहाँ पे ले जाएंगे। अभी मुझे इस कंडीशन में 3 फीट का पाइप का टुकड़ा लगाऊंगा मैं, क्योंकि हैंडपम्प को आगे लेके जाना है मुझे। तो दोस्तों GI पाइप में थ्रेड कैसे बनाते हैं इसका वीडियो पूरा हुआ, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो मैं बताया हूँ दोस्तों वो सब कुछ आपके समझ में आया होगा। समझने में कहीं पे कोई दिक्कत हुआ हो या फिर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, उसका रिप्लाई करूँगा मैं। और साथ ही दोस्तों चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की टेक्निकल जानकारी पाने के लिए, इलेक्ट्रिकल का और प्लम्बिंग का। प्लम्बिंग की जानकारी दोस्तों आपको मेरे ऑफिशियल चैनल टेक्निकल सोनू टेक पे मिलेगा, इलेक्ट्रिकल की जानकारी दोस्तों मेरे नए चैनल सोनू ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी वाले पे मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, दोनों का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे पेज पे पहुंचेंगे, वहां पे आपका जो भी सवाल होगा टाइप करना, उसका रिप्लाई करूंगा मैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।